सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कूड़ाघाट स्थित झारखंडी मंदिर के पास आयोजित जनसभा में भारी भीड़ को सीएम योगी ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और प्रदेश में भाजपा कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया। खासकर गोरखपुर में फर्टिलाइजर और एम्स की स्थापना के साथ ही लोगों को रोजगार के साथ बढ़िया स्वास्थ्य सेवा मिलने की बात कही है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि कला और विकास के समावेश को लेकर पार्टी रवि किशन के प्रत्याशी के तौर पर लेकर आई है, ताकि विकास के साथ ही कला के क्षेत्र में हमारे युवाओं को मौका मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस वक्त एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बगैर भेदभाव के देश के सभी समुदाय के विकास का संकल्प लेकर मिशन में जुटे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही देश में खुशहाली और समृद्धि लाई जा सकती है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधा। इसके साथ ही योगी ने बगैर नाम लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले उपचुनाव में शहजादी कहती थी कि राहुल और अखिलेश ये यूपी के लड़कों की जोड़ी है। सीएम ने कहा कि वो इंसानों की जोड़ी नहीं, वो तो दो बैलों की जोड़ी थी। मैंने रवि किशन को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। ऐसे में सीएम योगी ने जनता में एक सुर में भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनाने की अपील की। जनसभा में लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन व उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महापौर सीताराम जायसवाल, हिंदू युवा वाहिनी के पी किमल, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हिंदू यवावानी के कार्यकर्ता और भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके पूर्व जनसभा को भाजपा के लोकसभा सदर प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने भी संबोधित किया। इतनी बड़ी संख्या में विराजमान आप सभी कार्यकर्ता मौजूद तालियों के साथ रवि किशन जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उपस्थित इस विशाल जनता में हमारे भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी मोदी कमल निशान, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत करें दादा झारखंडी की आशीर्वाद से उनको सीधे आमंत्रित करते हैं। प्रमोद कुमार मल जी, उनके डेफिनेटली प्रणाम। बहुत ईमानदार व्यक्ति, प्रदेश महामंत्री, अद्भुत व्यक्तित्व वालन, सब लोगों के साधुवाद। और अब प्रीति हमारे साथ ये तड़ी, जहाँ भी हम पर संकट आए, जहाँ भी हम एगो नया लड़ाई शुरू करें, एगो कवच नियन, एगो महिला नारी शक्ति कह जाला, ये हमेशा अपने आप के झोंक दे ले। इबेर बड़ा प्रचार करे तारे, आप लोगों का आशीर्वाद उनके भेटाता, बहुत अच्छा लगा था। धन्यवाद प्रीति, आपके भगवान हमेशा खुश रखस। क्या हाल बा हो सब लोगन के? अरे गोरखपुर एकदम ऐसे आवाज, इतना माई बहन लोग बाबा, महिला महिला महिला, कुल नारी शक्ति के प्राण गोर छूके भैया हो, का हाल बा? बोला नमो पार्वती पते, झारखंडी महादेव, हर हर महादेव। ऐसा महादेव बोला कि साक्षात महादेव कपारो चढ़ के तांडव करे लगा। बोला नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, पूज्य योगी महाराज की जय, भारत माता की, भारत माता की, वाह वाह वाह। हैं जोश आ गई गोरखपुरिया, जोश ये चुनाव के करवा हो? मोदी मोदी जी और योगी महाराज कहलन की जहाँ जहाँ जीवे पूछिए जरूर की जागरूकता कितना बा गोरखपुर में। हम एक सवाल करते, ये चुनाव देश के पार्टी की भैया हो, माई हो, गांव के,
आवाज चाहिए नाभि से गोरखपुर है। देश के चुनाव राष्ट्र हित में चुनाव बा कि आतंकवाद के जो लोग बढ़ावलन कांग्रेस और बसपा सपा इन लोगों के चुनाव बा। मोदी जी का चुनाव बा कि आतंकवादी लोगों के चुनाव बा। वाह वाह कांग्रेस पार्टी एगो अब घोषणा पत्र में एगो नया अपन रूल लिखले बा कि जैसे ही हम लोग आ जाए तो हमने राष्ट्रध्वज जोन एगो बाटे आतंकवाद के उसे भूल जोन जोन दफा वाव के कैंसिल कर दे जाए। सपा बसपा के का हाल बा आए गई कहाँ गई हो कहाँ गई। अच्छा भैया हम बहुत कम शब्द में बोला कहे कि पूज्य महाराज जी के जाए के बाटे तो हम इतना कहा कि भैया हो शौचालय के देलो जल्दी जल्दी बोला एक साथ जल्दी जल्दी शौचालय के देवे बिजली के देता सड़किया के बनौले किसान के पेंशन के देता हमारे माई बहन खातिर सिलेंडर के देले कमल खिलेता। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था मालूम बाटे ना मंदिर के सीट का मालूम बा ना चुनाव कब बा जोर से 19 मई क्या करवा उस दिन संडे बा पकौड़ी बनाई बा चाय बना के कि घरे से निकलवा कौ माई रविवार बा पकौड़ी बना के चाय पीबा कि घरे से निकलवा। 5 साल प्रधानमंत्री जी दौड़लन 5 साल मुख्यमंत्री जी दौड़लन दिन रात 365 दिन भैया हो माई हो हाथ जोड़ के निहोरा बा एक दिन अपने देश खातिर एक दिन हमारे मोदी जी खातिर एक दिन भैया हो एक दिन हमारे मोदी जी हमारे योगी जी खातिर हमारे देश खातिर एक दिन और उस दिन बा गोरखपुर में 19 मई 19 मई भैया कमल खिलाए के बाद इतना मोटा कमल खिली कि ये विरोधी लोग फास्ट हो जाए इन लोगों का जमाने तब करीबा जमाने तब थी इन लोगों का विनाश हो के चाहिए कहे कि ये लोग जात पात के नाम पे खून चूसे हैं इन लोगों ने सिर्फ शोषण किया है बिरादरी के नाम पर लूटे हैं ये लोगों के अधिकार ना बाहो बिरादरी के लड़ा लड़ा के खत्म कर देलन मोदी जी कबो ना कहलन योगी महाराज कबो ना कहलन हो हरी राम के लाइट भेटाता तो भैया हो हरी शुक्ला के भी भेटाता मुसलमान के भेटाता तो हिंदुओं के भेटाता बस समझदार वाला 19 मई के माई बहन बच्चा बाबा अड़ोस पड़ोस सबके लेके निकला कि भैया चला हो हमने मोदी जी के चिताए के बाद चला हो भोरे निकलिया ना तो ढेर घाम होई 10 बजे से पहले इतना ताप 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 कमल का बटन दबाइया ईवीएम मशीन नहीं तोड़ देना बस जाना दबाना इतना बटन दबे के कैसे बजी ताप 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 कमल 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 मोदी 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 फिर कहा अरे मोदी लाओ देश बचाओ मोदी लाओ देश बचाओ बहुत हो गया भ्रष्टाचार 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है भारत माता की बोला नमः पार्वती पते हारा हारा धन्यवाद। आज हमारे बीच में देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे ऐसे सरफरोश का प्रकाश इसके लिए हम पूज्य महाराज जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जय श्री राम जोरदार स्वागत करें जय श्री राम। धर्मेंद्र सिंह जी महानगर अध्यक्ष
श्री राहुल श्रीवास्तव जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, बाबा झारखंडी महादेव के इस मंदिर में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवि किशन जी के समर्थन में आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका बाबा महादेव झारखंडी के इस पवित्र स्थान को प्रणाम करता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है और चुनाव देश के लिए हो रहा है, आप जान रहे हैं ना चुनाव किसका हो रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए, ये चुनाव किसका हो रहा है, ये ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव नहीं है, चुनाव है देश का, समझ गए ना। तो देश के चुनाव के लिए आप सबको क्या करना है, जो देश को सुरक्षित रख सके, बिना भेदभाव के देश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सके, ऐसी सरकार लानी है ना, सहमत हैं? तो कौन दे सकता है ऐसी सरकार? पूरे देश के अंदर जो आवाज गूंज रही है वही गोरखपुर की भी आवाज होनी चाहिए, और वो आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मोदी सरकार इसलिए क्योंकि मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है, मोदी जी के कारण देश की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, मोदी जी के कारण विकास देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है, और मोदी जी के कारण पहली बार गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में विकास के बारे में तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं है ना, अरे महादेव झारखंडी के इसी क्षेत्र में तो गिरधरगंज में ही एम्स खुल गया है, खुश हैं? एम्स प्रारंभ हो गया है ना, पहले लोग क्या बोलते थे कि एम्स नहीं खुलेगा गोरखपुर में, लेकिन 2 साल में एम्स खोल करके उसकी ओपीडी भी प्रारंभ कर दी है ना, तो खुश हैं? कभी आप एम्स के गेट पर गए? आपके पास फोन होगा ना, फोन जाइए उसके गेट पर, एक सेल्फी लीजिए और उसको लोगों को बताइए बदलता हुआ गोरखपुर, क्या बोलेंगे, विकास के पथ पर अग्रसर गोरखपुर। दूसरा, रामगढ़ ताल भी आप ही के इधर है ना, कभी गए रामगढ़ ताल के चारों तरफ? रामगढ़ ताल आप देख रहे होंगे कि उसकी रेलिंग पर कभी खड़े होइए और खड़े होकर के सेल्फी लीजिए, और सेल्फी लेकर के फिर कहिए कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में हैं, ठीक है ना। यानी चुनाव तक प्रत्याशी के साथ सेल्फी नहीं, चुनाव तक गोरखपुर के विकास के लिए सेल्फी, और खूब भेजिए नातेदार रिश्तेदार अपने दोस्तों मित्रों नगर के घर घर तक पहुंचाइए, और फिर कहिए गोरखपुर के विकास के लिए और भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, और मोदी जी को जिताने के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर श्री रवि किशन जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आप सबको अपना योगदान देना है। सब लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? आप इस कार्य को करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, चुनाव के दिन मतदान केंद्र में जाना पड़ेगा। आप में जितनी भारी भीड़ यहां पर है, अगर ये सभी लोग तय कर लेंगे कि मैं 10-10 लोगों को मतदान केंद्र पर ले जाने या उन्हें उसके लिए जागरूक करूंगा, तो मुझे लगता है कि गोरखपुर महानगर में जो 20-25% वोटिंग होती है, ये बढ़कर के 70% पहुंच जाएगा, तो
भाजपा प्रत्याशी के सामने विरोधियों की जमानत हो जाएगी जब, और जब्त कराने की तैयार हैं पूरे गोरखपुर के लोग, तैयार हैं। गोरखपुर में फर्टिलाइजर भी खुल रहा है ना, गोरखपुर में चीनी मिल आ गई है ना, बीआईडी मेडिकल कॉलेज में पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है ना, और गोरखपुर के लोगों को अब बिजली मिलनी भी प्रारंभ हो गई है ना, और प्रदेश में गुंडागर्दी तो हम लोगों ने ऐसे समाप्त कर दी है कि गुंडों के लिए दो ही जगह, या तो जेल या राम नाम सत्य है, बाकी कोई तीसरी जगह ही नहीं है। आप सब सहमत हैं भाइयों बहनों? सब कुछ से सहमत होने के बावजूद अगर आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये आपका पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सबसे बड़ा समर्थन होगा, और इस समर्थन के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। पहले गोरखपुर में ये था कि केवल एक सभा होगी, मैंने कहा भी नहीं, सोमवार का दिन है, अगर बाबा महादेव झारखंडी महादेव के मंदिर के पास अगर कोई एक सभा उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी हो जाए तो वे लोग भी मानेंगे कि हम भी महानगर के पार्ट हैं, और इसलिए भी हम लेकर के आए हैं। वे विकास तो हम लोग करा लेंगे, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ कला भी तो जुड़नी चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रवि किशन जी आए हैं, अब देखिए जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना तो बोलेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस की शहजादी ने कहा था दो लड़कों की जोड़ी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा कि जोड़ी लड़कों की नहीं होती, बैलों की जोड़ी होती है। सहमत है ना? तो जो बैल बुद्धि जिसमें होगी वो कलाकार को कहां पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा ना। लेकिन अब तो रवि किशन जी को देख करके सीताराम जायसवाल भी बोल रहे हैं कि मैं भी फिल्मों में एक्टिंग करूंगा। भाई अच्छी बात है, सीताराम जी को अगर फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक है तो हम तो उनको बधाई देंगे खूब। आप भी सहमत हैं? अच्छा रोल तो कर ही सकते हैं सीताराम जी, कर सकते हैं ना, और इसीलिए हम लोग आए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए मंच मिलेंगे अलग अलग, किसी को एम्स में नौकरी, किसी को फर्टिलाइजर में नौकरी, किसी को चीनी मिल में नौकरी, और किसी को फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की एक नया मंच। यानी एक साथ गोरखपुर आज दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा। दो साल पहले तक गोरखपुर पे एक वायु सेवा चलती थी दिल्ली के लिए, आज 8 वायु सेवा हैं, 3 तो दिल्ली के लिए ही हैं। अब कलकत्ता भी जुड़ गई, बेंगलोर भी जुड़ गई, हैदराबाद भी जुड़ गया, मुंबई जुड़ रहा है, काठमांडू भी, मुंबई भी जुड़ गया, काठमांडू भी जुड़ने वाला है। अब गोरखपुर वो वाला गोरखपुर नहीं जब गोरखपुर आने में लोग डरते थे, ये आज का नया गोरखपुर है, ये नया गोरखपुर है। विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए अपने को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाने वाला गोरखपुर। आज गोरखपुर के लोग कहीं भी जाते हैं देश के अंदर, 20 साल पहले जाते थे तो लोग क्या बोलते थे, गोरखपुर का नाम सुनकर के नाक भौं सिकुड़ते थे। आज आप जाइए देश और दुनिया में कहीं जाएंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको देखेंगे, अरे वाह गोरखपुर के हैं। सम्मान बढ़ा है ना, पहचान बढ़ी है ना, इस पहचान और इस सम्मान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, आप सबकी है ना, गोरखपुर के प्रत्येक वासी की है ना। तो इस जिम्मेदारी को ही निर्वहन करवाने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इस क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं के बीच में, नागरिक बंधुओं के बीच में आया हूं आप सबसे कहने के लिए। लोकतंत्र की अपनी जिम्मेदारियों को हम सब समझें, लोकतंत्र ने जो ताकत हमें दी है ये बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचिए मोदी जी किसी को मकान देते हैं तो उसकी जाति देखते हैं क्या, मोदी जी किसी को शौचालय देते हैं तो क्या उसकी जाति देखते हैं क्या,
हमने बिजली दी तो किसी की जाति और किसी का क्षेत्र देखा है क्या? हमने तो सबका साथ और सबके विकास की नीति पर चल करके सबके विकास के लिए कार्य किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। लेकिन मोदी जी की जाति पूछ रही है, ये जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग कौन हैं? ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, आपको कमजोर करेंगे और आतंकवादियों का समर्थन करेंगे। 40 वर्षों से मस्तिष्क ज्वर से, इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में बच्चे मरते थे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। ये जातिवादी नेता कभी वहां नहीं गए। मेरे साथ आंदोलन आप ही लोग करते थे ना, गोरखपुर में बड़े बड़े आंदोलन करते थे ना। लेकिन आज हम लोग मस्तिष्क ज्वर को भी नियंत्रित कर चुके हैं और आप देखना एम्स को फुल ब्लेस चलने दीजिए। अब तक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को उपचार के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, अब वहां के लोग उपचार कराने के लिए गोरखपुर में आएंगे और गोरखपुर के लोगों का एक बार दुनिया में नाम होगा। भाइयों बहनों, हम लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझें, मतदान अवश्य करें, अपने वोट की कीमत समझना चाहिए। ये देश निर्माण का चुनाव है, देश रहेगा, मेरे देश के 130 करोड़ की आबादी सुरक्षित रहेगी। गलत हाथों में देश की बागडोर जाएगी, आतंकवाद पनपेगा, देश की सुरक्षा को खतरा होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आम जनता तबाह होगी, जगह जगह दंगे फसाद होंगे। लेकिन अगर अच्छे हाथों में देश की बागडोर होगी, देश सुरक्षित होगा, देश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे भी हुआ, हम लोग जब मैं सर मुख्यमंत्री बनाया गया मुझे, गोरखपुर में 28,000 गरीबों को एक एक मकान मिला है और हमने तय किया है जितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास कच्चा मकान है, जमीन है लेकिन मकान पक्का नहीं है, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए स्वीकृत करके उन लोगों को पक्का मकान बनाएंगे। जिनके पास अपना घर में शौचालय नहीं है, उनको 20,000 रुपया दे करके उनके घर में एक पक्का शौचालय बनाएंगे। पेयजल की व्यवस्था करेंगे। आज गोरखपुर में क्या नहीं है, सब कुछ आपको मिल रहा है। आने वाले समय में मेट्रो भी मिलेगा, मेट्रो में चलना चाहेंगे? सब चलने के इच्छुक है ना? तो फिर विकास की एक रचनात्मक सोच के लिए गोरखपुर में भाजपा जीतनी चाहिए ना, मोदी जी को समर्थन होना है ना, देश को सुरक्षित रखना है ना, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनानी है ना। तो फिर 19 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री रवि किशन जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय।